वेलकम टू द पाठशाला। एसएससी सीजीएल टायर वन का रिजल्ट आ गया है। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका टायर वन के जो है पीडीएफ में नाम है, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके नाम नहीं है। तो जिनका नाम है उन सभी को बहुत सारी बधाइयाँ, और जिनका नाम नहीं है ये वीडियो उनके लिए है कि वो क्या करें, वॉट टू डू नाउ। और दो तरीके के स्टूडेंट हैं, एक तो ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने आंसर की चेक की थी और उनका जो मार्क्स है वो कट ऑफ जो अभी डिसाइड होके आया है उससे ऊपर था, पर अब उनके मार्क्स ना होने की वजह से, कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से उसमें मिल नहीं रहे हैं। तकरीबन 60-70 क्वेरीज मैंने शाम से अभी तक रिसीव की है कि अब वो क्या करें। देखिए, जिनको अपना रोल नंबर नहीं मिला हुआ है उसमें या नाम सर्च करने पर नहीं मिला है, उनको अब क्या करना चाहिए, अब उनको आरटीआई फाइल करना चाहिए। आरटीआई फाइल करके आप जो है अपनी आंसर शीट की डिमांड कीजिए कि वो आपकी आंसर शीट दें, और फाइनली जो उन्होंने यूज किया हुआ है उस सेट के लिए आंसर वो भी डिमांड कीजिए और मैच कराइए कि आपका कट ऑफ से ऊपर क्यों नहीं है। और दूसरा सवाल ये बनता है कि आप आरटीआई कैसे फाइल करोगे, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आरटीआई फाइल करने के लिए आप दो जगह पे जो है जाके उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, एक तो एसएससी ट्यूब से और दूसरा क्यूमैस से। ये दोनों लोग ऐसे हैं, ये करते क्या है, इनका मेन काम ही यही है एसएससी ट्यूब के मामलों में अड़ंगा डालना, कुछ गलत हो तो स्टूडेंट को सही सलाह देना, आरटीआई कैसे फाइल करना है, कैसे फाइल नहीं करना है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एसएससी ट्यूब वाले भी देते हैं और क्यूमैस भी देती है, क्योंकि क्यूमैस अक्सर करके आरटीआई फाइल करके इन्फॉर्मेशन निकालती रहती है। तो आप इन दोनों लोगों के पास जाइए, उनको मैसेज कीजिए कि ये प्रॉब्लम हुई है और हमें आरटीआई फाइल करना है, क्या प्रोसीजर है, तो ये आपको आरटीआई फाइल करने का करेक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे। और आप उनसे मैसेज करके ये भी बता सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम हमारे साथ हुई है। ये तो रही उन बंदों की बात जिनके जो मार्क्स है वो कट ऑफ से ऊपर होने के बाद भी लिस्ट में नाम नहीं है, लेकिन दूसरे टाइप के वो स्टूडेंट हैं जो फेल हो गए, जो पूरी तरीके से फेल हो गए हैं, जो कट ऑफ से नीचे हैं। अब एक कॉमन सा क्वेश्चन हो रहा होगा दिन में कि क्या करें, अब सर क्या करें, पापा क्या करें, मम्मी क्या करें, और सबसे बड़े सवाल जो है अपने आप से चल रही होगी इस वक्त, और फ्रस्ट्रेशन का लेवल बहुत ज़्यादा होगा कि क्या करें। आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्रीवियसली जान गए थे कि उनका अच्छा नहीं होना है और वो डिसाइड हो गए थे कि 2018 की तैयारी कर रहे हैं, और अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो फिर से इस कोयाश में होंगे कि वो क्या करें, किधर जाए, एसएससी की तैयारी करे, बैंक की तैयारी करे, कौन सा रिजल्ट सही होता है, कौन सा रिजल्ट सही नहीं होता, और मेरिट इतनी ऊपर चली गई, मेरिट इतनी नीचे जा रही, अगले साल होगा कि अगले साल नहीं होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे कि क्या करना चाहिए, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करना चाहता हूँ। एक बार आप इन बातों को सुन लीजिए जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उससे क्या होगा ना, आपको डिसीजन लेने में थोड़ा सा आराम होगा। अभी क्या है ना कि हर बंदे का कंडीशन अलग अलग होता है, तो हर बंदे के साथ जो है कंडीशन अलग तरीके से सूट करती है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जैसे जान लीजिए, अगर मैं बात करूँ कि अगर आप कंफ्यूज हैं कि एसएससी के लिए पढ़ाई करें या फिर बैंक के लिए पढ़ाई करें, तो मैं दोनों के पहले प्रॉस एंड कॉन्स यहाँ पे बता देता हूँ। पहले तो आप प्रॉस कॉन्स समझ लीजिए। जैसे अगर एसएससी की बात करें, एसएससी के प्रॉस की, तो एसएससी में कई सारे एग्जाम होते हैं, एसएससी का सीजीएल होता है, एमटीएस होता है, स्टेनो होता है, ठीक है, और आपका सीएचएसएल एग्जाम होता है, सीपीओ एग्ज़ाम होता है, तो कई सारे एग्ज़ाम है। अब इसमें ना हर आदमी का मूड होता है कि हमें चलो सीपीओ बनना है, हमें वर्दी चाहिए, हमें सीजीएल में जाना है तो हमें ये वाली वर्दी चाहिए, हमें ये रेस्पेक्टेबल पोजीशन चाहिए। तो एसएससी क्या है, आपको अगर आप थोड़ा सीनियर पोस्ट पे पहुंच जाए, 4600 ग्रेड पे के जितने पोस्ट है, 4800 के जितने पोस्ट है, तो वो बहुत रेस्पेक्टेबल पोस्ट है, तो इसमें रेस्पेक्ट आपको बहुत मिलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है जॉब है बहुत आरामदायक जॉब होती है। तो सबसे ज़्यादा जो अगर इसका प्रॉस की बात किया जाए तो रेस्पेक्ट, और अगर अंडर टेबल की बात किया जाए तो यार वो बात छोड़ दो, मतलब पब्लिकली ऐसे कहना सही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बात किया जाए, क्योंकि एसएससी की सब तैयारी करते हैं तो आधा ज़्यादा लड़कों का यही मूड होता है, अरे एक बार बस हो भर जाए, हो तो जाएंगे हम, क्या क्या हो जाएंगे, तो उस वाले नज़रियों को अगर छोड़ दे तो शायद आदमी एक बार बैंक भी चूज कर सकता है। सिर्फ इसी नज़रिए की वजह से एसएससी में आता है, तो वो आप लोग डिसाइड कीजिए कि आप लोग को किस तरीके से जो एसएससी सीजीएल में जाना है या नहीं जाना है। और इसका जो कॉन्स है, कॉन्स सबसे बड़ा ये है कि इसका जो रिजल्ट आता ना वो बहुत टाइम लेता है, इसकी ज्वाइनिंग आने में तकरीबन 2 साल लग जाता है। अगर आप 2018 की बात करें तो तकरीबन 1 साल यहाँ से लगेगा आपका एग्ज़ाम होने में, फिर 6 महीने तक एग्जाम होता रहेगा, टायर वन का होगा, टायर टू का होगा, फिर फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होते होते 8 महीने में, अगर बहुत जल्दी किया तो 8 महीने में करेगी, अदरवाइज कम से कम 12 महीने लेती है एग्जाम कंडक्ट करा के रिजल्ट देने में। तो 1 साल लगा देती है जब टायर वन का एग्जाम होता है और रिजल्ट कंडक्ट होने में, इसके बाद ये तकरीबन 6 महीने
लेती है ज्वाइनिंग देने में 6 महीने। सबसे जल्दी जो ज्वाइनिंग आती है वो 6 महीने में आती है, अदरवाइज 8 महीने में, 10 महीने में इस तरीके से आती है, कभी कभी 4 महीने में किसी किसी पोस्ट की आ जाती है। तो अगर टोटल ड्यूरेशन देखें कि अगर यहाँ से अगर आप SSC के लिए लगाने वाले हो तो SSC CGL की बेसिकली बात करें 2018 की, तो तकरीबन 2.5 ईयर्स आप मान के चलो कि इतना समय लग जाएगा आपके ज्वाइनिंग की, कम से कम में 2 साल तो लग ही जाएगा। और उसमें से अगर कहीं कुछ केस हो गया, SSC फंस गई कोर्ट वगैरह में, तो ये समय और लंबा चला जाएगा। इस बीच में CHSL होता है, MTS स्टेनो होता है, इन एग्जाम को आप दे सकते हो। और अगर बात करें बैंक की, तो बैंक के एग्जाम का सबसे बड़ा प्रॉस ये होता है बहुत कम समय में, मतलब अगर टाइम वाइज बात करें तो बैंक एग्जाम क्रैक कर लो 3 महीने में, हर 3 महीने में एक एग्जाम होता रहता है और 3 महीने में ज्वाइनिंग मिल जाती है। तो 6 महीने में अगर आप बैंक एग्जाम क्रैक करने लायक हो गए हो तो जॉब भी मिल जाती है। लेकिन इसका कॉन्स क्या है? कॉन्स ये है कि 10 से लेके 5 तक इसकी जो जॉब होती है ना, प्राइवेट सेक्टर की तरह जॉब होती है। मतलब सपोज करिए कि आप बैंक में कैशियर बन गए, तो आपको शुरू शुरू में नोट काउंट करने में तो बड़ा मजा आएगा, लेकिन 1 महीने करोगे, 1.5 महीने करोगे, 2 महीने करोगे, फिर सोचो कि 2 महीने बाद एक काम लगातार करते करते आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन नहीं आ जाएगा? क्या लगा, क्या वही रोज उठ के आना और बैंक में बैठ के नोट गिनना? तो इसी तरीके से जितने भी जॉब होते हैं बैंक वाले, वो थोड़ा हेक्टिक जॉब एक तरीके से होते हैं, प्राइवेट सेक्टर की तरह आपको महसूस होता है, कहने के लिए गवर्नमेंट होते हैं, लेकिन एक तरीके से ये हो जाता है। तो बैंक में जॉब वाइज अगर रेस्पेक्ट वाइज बोले तो रेस्पेक्ट है, अगर SSC की बात करें तो SSC में जो चीज़ें हैं वो कुछ ज़्यादा है, इसमें वो थोड़ा ब्लैक मनी वाला काम नहीं हो पाता बैंक में। SSC में लोग इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि ब्लैक मनी थोड़ा ज़्यादा होती है, और आज के ज़माने में अगर ईमानदारी की बात किया जाए तो 40% लोग ईमानदार होते हैं और 60% इसी चक्कर में आते हैं। धीरे धीरे देश बदल रहा है और शायद ये चीज़ें बदलने लगी, लोगों को नज़रिया बदलने लगेगा कि नहीं, मुझे ब्लैक मनी के लिए नहीं जाना, मुझे ईमानदारी के साथ जाना है। अब जैसे सोचिए कि कभी कभी ये होता है कि IIT वाले बंदे भी आजकल SSC CGL दे रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के बच्चे SSC CGL दे रहे हैं, तो रीज़न सिर्फ यही है, ये मैं सच बता रहा हूँ और ये चीज़ आप लोग जानते भी होंगे कि क्या होता है। तो अभी आपको ये डिसाइड करना है कि SSC के लिए जाना है या बैंक का। और मैंने एक बात बोलूँ कि डिसाइड हो लीजिएगा, SSC का एग्ज़ाम और बैंक का एग्ज़ाम दोनों एक तरीके का नहीं होता। बैंक के बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, हर 2 महीने 3 महीने पे होते हैं। अगर आप SSC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो SSC CGL के पेपर दे सकते हो, साथ में MTS के दे सकते हो, स्टेनो के दे सकते हो, CHSL के दे सकते हो, CPO के दे सकते हो। तो अगर SSC की तमीज में प्रिपरेशन करोगे तो ये बीच में सारे एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो, और बैंक की प्रिपरेशन करोगे तो बैंक के सारे एग्ज़ाम एक साथ क्रैक कर सकते हो। लेकिन अगर आप SSC बैंक दोनों के एग्ज़ाम एक साथ देते हो तो ना ही SSC क्रैक होता है ना ही बैंक, और इसके साथ बीच में कई और एग्ज़ाम आते हैं। अगर एग्जाम्पल ले तो जैसे बात करें रेलवेज आपका हो गया, कुछ लोग PCS के फॉर्म भरते हैं, भले प्रिपरेशन हो या ना हो फॉर्म भरना भरना होता है, IAS का फॉर्म भर लेना होता है, बीच में फॉर्म आ गया भर लो, स्टेट का कोई एग्ज़ाम हो गया वो भरना होता है, कोई लेखपाल का फॉर्म आ गया वो भरने लगा, यूपी पुलिस का आ गया वो भरने लगा, आपके स्टेट पुलिस का आ गया वो फॉर्म भरने लगा, तो ये कॉमन सी मिस्टेक होती है, आपकी प्रिपरेशन है नहीं और हर एग्ज़ाम मुंह उठा के फॉर्म भर के देना है। तो ऐसे में क्या होता है ना आप इधर के रहते हो ना उधर के रहते हो। तो अगर हम बात करें कॉमन मिस्टेक की, तो कॉमन मिस्टेक एक ये होता है, और इसके लिए मजबूर आपको पता है, आप अपने आप को भले भी समझा लो कि ठीक हमको नहीं देना है, इसके लिए मजबूर आपके गार्जियन करते हैं। जैसे कोई बड़ा भाई हो तो वो बोलते हैं अरे फॉर्म भर दे, फॉर्म भरने में क्या जाता है, अरे फॉर्म भरने में जाता है यार, पैसा भी जाता है, स्ट्रेस भी पड़ता है दिमाग में, और ना ही आप एक तरीके से कॉन्सेंट्रेट होकर सोच पाते हो। मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अभी तुरंत का एग्जांपल है जो CGL का ये रिजल्ट आया है। मेरा एक दोस्त है जिसने अभी PCS का एग्जाम दिया और CGL का एग्जाम दिया हुआ है, तो CGL के एग्जाम में Tier 1 जो है वो क्लियर है और अच्छे नंबरों से क्लियर है, और PCS का एग्जाम उससे लग रहा है कि वो आसानी से क्रैक कर लेगा, मतलब वो Tier 1 सही से गया हुआ है, और उसकी CGL की अगर तैयारी करे तो CGL की भी तैयारी कर लेगा और PCS के लिए जाए तो PCS भी कर लेगा, लेकिन अगर दोनों के लिए जाएगा तो ये यहाँ से नहीं जा पाएगा, या तो ये कर पाएगा या तो ये कर पाएगा। अब वो यहाँ पे खड़ा असमंजस की स्थिति में है कि CGL क्रैक करे या फिर PCS के लिए जाए। तो ये जब कंडीशन आप यहाँ बीच में अपने आप को रख देते हो ना, तो ना आप इधर के होते हो ना इधर के होते हो। तो अगर उस बंदे ने अभी डिसीजन नहीं लिया कि इधर को जाना है कि इधर को जाना है, तो वो पता है ये क्रैक नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए, जैसे वो साल भर से सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था, CGL का पेपर दे लिया, निकल गया, क्लियर हो गया, और बंदा इतना ब्रिलियंट है कि अगर 2 महीने तमीज से पढ़ ले तो शायद CGL हो जाए, लेकिन PCS की जॉब आप सभी लोगों को पता है कि थोड़ी अच्छी होती है। तो अगर PCS की जॉब अच्छी होती है और उसकी तैयारी भी PCS के लिए अच्छी है, तो PCS में एक ये दिक्कत है कि अभी वो रिजल्ट देंगे फिर एग्जाम कंडक्ट कराएंगे कि नहीं कराएंगे, और हर बार ऐसी नौटंकी होती, कुछ ना कुछ हो जाता है, दो दो तीन तीन साल तक लटक जाता है, ये एक बड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, बोल्ड डिसीजन जिसको कहते हैं ना, आपको बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा कि कौन से सेक्टर को चुने और उसमें थोड़ा सा समय दे।
तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि आपको एग्जाम टारगेट करना है कैसे, कि आपको एसएससी देना है, आपको बैंक देना है, आपको सिविल सर्विस देना है, बोले तो आईएएस पीसीएस हो गया, ये आपको देना है, या आपको स्टेट का कोई एग्जाम देना। तो जो एग्जाम आप देना चाहते हो उसके हिसाब से तैयारी करो। अगर एसएससी का देते हो तो आप सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनो, एमटीएस, सीपीओ, ये सारे के सारे एक साथ कवर कर सकते हो एक प्रिपरेशन में। और बैंक की बात करें तो बैंक पीओ, क्लर्क, फिर एओ आपका हो गया, फिर एसओ हो गया, स्पेशलिस्ट ऑफिसर। तो बैंक के जितने भी एग्जाम होते हैं जब तैयारी करोगे तो लगभग सेम होते हैं। इसी में आगे आपका आरआरबी, इसी में आगे आपका जो है एसबीआई पीओ एंड क्लर्क। तो जब एसबीआई पीओ और क्लर्क की अगर प्रिपरेशन आपकी हो जाए तो बैंक का कोई भी पीओ क्लर्क का एग्जाम है आराम से हो सकता है। और आरआरबी का जो होता है थोड़ा सा सीन अलग होता है, इसमें हिंदी वगैरह आ जाती है तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को थोड़ा सा फायदा मिल जाता है। तो ये चीज आप डिसाइड करके करो। आईएएस पीसीएस वाले जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं वो पीसीएस एग्जाम उनके लिए थोड़ा सा इजी पड़ जाता है, सेम डायरेक्शन में होता है। तो आईएएस पीसीएस वाले इसमें जा सकते हैं, जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव वाले पेपर देते हैं, जैसे आप यूपी के हो तो यूपी का होता है, अगर एमपी के हो तो एमपी का जो है एडमिनिस्ट्रेटिव वाला पेपर होता है। तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि आप कौन से सेक्टर में जाना चाहते हो। अगर आप कोई पर्टिकुलर अपने स्टेट में एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, जैसे मैं बोलूँ यूपी का मैं हूँ तो यूपी पुलिस का होता है, लेखपाल का होता है, तो ये छोटे एग्जाम होते हैं वो थोड़े कंबाइंड होते हैं, तो आपको उस लेवल पे तैयारी करनी पड़ती है, उस लेवल पे सोचना पड़ता है कि पेपर का पैटर्न क्या है। अगर आप इन सबको कॉमन तरीके से दोगे तो क्या होगा, कुछ पार्ट इसका पढ़ोगे, कुछ पार्ट इसका पढ़ोगे, कुछ पार्ट इसका पढ़ोगे, कुछ पार्ट इसका पढ़ोगे, फिर ना ये क्लियर होगा, ना ये क्लियर होगा, ना ये क्लियर होगा, ना ये क्लियर होगा। अगर आप किसी एक की तैयारी अच्छे से कर लो और जब फाइनली ये लग जाए कि नहीं आप एसएससी को क्रैक कर सकते हो, और एसएससी को क्रैक कर लो उसके बाद आप बैंक को क्रैक करने जाओ, तो थोड़ा सा समय लगेगा, बैंक भी क्रैक हो जाएगा। और अगर आईएएस क्रैक करने के हिसाब किताब में हो, थोड़ा सा तैयारी करो और थोड़ा सा इधर उधर शिफ्ट करो, तो पीसीएस आईएएस एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। तो किसी एक एग्जाम को क्रैक करने के लायक पहले बन जाओ। आपने देखा होगा कि कुछ लड़के होते हैं बैंक भी क्रैक कर देते हैं और फिर एसएससी भी क्रैक कर देते हैं। वो रीज़न ये होता है कि पहले उन्होंने बैंक की तैयारी की है, बैंक उन्होंने क्रैक कर लिया, फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, फिर उन्होंने उसको क्रैक कर लिया। और कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका नॉलेज का बेस बहुत अच्छा होता है, वही स्टूडेंट दोनों एग्जाम एसएससी और बैंक एक साथ क्रैक कर सकते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा वो कीजिएगा। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी सीजीएल का जो क्लासेस है रेगुलर बेसिस पे 2018 हमारे पास चल रहा है, तो जो 2018 की क्लासेस है आपको करनी क्या है, रेगुलर तरीके से आप लेके देखिए। एक बार आपने बेसिक पे जाके अच्छे से तैयारी की तो 2018 का एसएससी सीजीएल आप आसानी से क्रैक कर पाओगे। और एक बार मेरे कहने पे आप सही से पढ़ लो, सही से पढ़ लो, सही से मतलब सही से पढ़ लो, और उसके बाद आप देखोगे बीच में जितने भी एग्जाम होते हैं ना सब क्रैक होना चालू हो जाएंगे, जल्दी में पढ़ोगे कुछ नहीं होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे एसएससी का तो आपको पता है कि पूरा पूरा क्लास चल रहा है, बैंक की भी राहुल सोरी सर के गाइडेंस में एक क्लास चला रहा है जिसमें दो तीन टीचर आपको और पढ़ाएंगे। तो हमने एसएससी सीजीएल के लिए जो है चैनल अलग कर लिया है, बैंक के लिए अलग कर लिया है। तो जो एसएससी वाले स्टूडेंट है वो सीजीएल एप्टीट्यूड पाठशाला में पढ़ाई कर सकते हैं, और जो बैंक की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे किसी के घर में परेशानी बहुत है, वो ज़्यादा समय तक 2-2.5 साल तक वेट नहीं कर सकता है, तो वो बैंक की तैयारी करना चाहता होगा इस वक्त, तो अगर बैंक की तरफ स्विच करना है तो बैंक की तरफ स्विच कर लो, फिर एसएससी की तरफ मत आओ। और एसएससी की तरफ तब आना जब बैंक क्लियर कर लेना और बैंक में लगने लगे कि बोर हो रहे हो, नहीं हमें एसएससी सीजीएल में चल के भैया वर्दी वर्दी चुननी है, तब आप आओ। तो ये दोनों चीज़ आप डिसाइड कर लो कि आपको बैंकर बनना है या फिर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई ऑफिसर बनना है, दोनों बिल्कुल अलग अलग बात होती है। अगर सिविल सर्विस के लिए तैयारी करनी है तो सिविल सर्विस की तैयारी करिए, लेखपाल वगैरह यूपी पुलिस वगैरह की तैयारी करनी है, स्टेट में इस तरीके का कोई एग्जाम कंडक्ट होता है उसको करनी है तो वो कर लीजिए। अगर आपको टीचर वगैरह बनना हो तो उसके हिसाब से पढ़ाई कीजिए, लेकिन बेसिक लेवल से पढ़ाई कीजिए, समय नहीं लगेगा। अगर आप ये डिसाइड करके पढ़ेंगे कि आपको बनना क्या है तो कर लेंगे। अगर सिर्फ ये पता है ना कि आपको बस कोई सरकारी आदमी बनना है, एक आपको चाहिए सरकारी नौकरी ताकि आपका हो जाए ब्याह, क्योंकि यही होता है यार, गांव में चले जाओ या कहीं और चले जाओ तो बस ये होता है भैया हमारे पास सरकारी नौकरी है, 20 लाख दहेज तय हो गया। इवन दो आप क्लर्क बन लो तब भी 20 लाख 15 लाख रुपए डाउरी मांग लेते दहेज तय कर ले। आज तक हमको ये समझ में नहीं आता या ये क्या परसेप्शन चलता है। अरे मैं किसी और की बात छोड़ू, अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूँ तो अभी जैसे मैंने घर में बात की कि मैं पढ़ा रहा हूँ और मेरा पढ़ाने में बहुत मन लग रहा है और इसको मैं आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ, मैं अपनी जॉब नहीं चाहता हूँ, तो घर पे ये होने लगा अरे कौन करेगा तेरे से ब्याह बे, क्या बोला जाएगा कि तू यूट्यूब पे पढ़ाता है, सॉरी ये लैंग्वेज के लिए, लेकिन जो लैंग्वेज है घर की वो वही बात है कि घर पर यही सारी बातें चल रही है कि कौन करेगा भाई ब्याह। यार अब ब्याह करने के लिए हम अपना कैरियर डिसाइड करें कि हमको गवर्नमेंट में जाना है सिर्फ ब्याह करने के लिए, अरे जिस लड़की को शादी करनी है वो करे, हमारे इसी टैलेंट इसी क्वालिटी पे करे जो हमारे पास है। तो सिर्फ
शादी करने के लिए मत बनो यार, बनना है तो अपने पैशन के लिए बनो। अगर अपने पैशन के लिए काम करोगे तो डेफिनेटली वहां तक पहुंच पाओगे जहां तक आपको पहुंचना है। और अदरवाइज फिर ऐसे ही आप आजू बाजू देख लो यार, आपके 10 दोस्त होंगे, 20 दोस्त होंगे, 15 दोस्त होंगे, और तीन तीन चार चार साल से कोई इलाहाबाद में पढ़ा होगा, कोई मुखर्जी नगर में पढ़ा होगा, तो कोई और जगह पढ़ा होगा, कोई पटना में पढ़ा होगा, और उसमें से 100 लोग जाते होंगे तो 2 लोग सेलेक्ट होके आते होंगे। तो 98% लोग क्या होते हैं, इन्हीं चीज पे चलते हैं, और 2% लोग क्या होते हैं, लीक से अलग हटके चलते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा और भी बोल दूं तो 100 में से अगर मैं मान लूं कि 10% लोग अपने से सोचते हैं, 90% लोग ऐसे कॉमन बात सोचते हैं, तो आप ये डिसाइड करो कि 90% में जाना है कि 10% पे जाना है। और मैं बोलूं कि यार मैं इस 10% में रहना पसंद करता हूँ, जैसा कि आप लोग देख भी रहे होंगे कि अगर हमारे पूरे बैच की बात किया जाए तो हमारा पूरा बैच अधिकारी बनने को सोच रहा है और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मेरा दिमाग कहीं और चल रहा है कि मुझे कोई और काम करना है। तो आप ये डिसाइड करो कि ये जो है आप 10% में रहना चाहते हो या 90% पे। अगर 10% में रहना प्रेफर करोगे और चीज़ों को सही से समझोगे तो आपकी जो लाइफ है ना वो परेशान नहीं होगी, मतलब उसमें कहीं ना कहीं आप सोल्यूशन निकाल लोगे। तो ये वो बातें हैं जो अगर आप नर्वस हो रहे हो इस समय पे, तो अगर देखो यार डरपोक आदमी हो तो मैं बता रहा हूँ यार चले जाओ घर पे, अगर गांव वाँव के हो तो करो खेती वेती, करो शादी वादी और जिंदगी अपनी अलग तरीके से जियो, ठीक है। और अगर लगता है कि नहीं तुम कमजोर आदमी नहीं हो, डरपोक आदमी नहीं हो, और तुम में है पोटेंशियल, तुम में है दम, तो एक बार दोबारा उठो, दोबारा पढ़ो, डिसाइड कर लो कि आपको SSC पढ़ना है, बैंक पढ़ना है, रेलवे क्रैक करना है या फिर कोई और एग्जाम क्रैक करना है। वैसे हम कोशिश करेंगे कि 1 जनवरी तक SSC, बैंक, रेलवे और जितने भी एग्जाम में हैं इनमें सब में हम आपको एक्सपर्ट प्रोवाइड कर सके, ताकि आपकी वो रेगुलर क्लासेस करा सके। और जो ये पैसे वाला बैरियर है ना, ये तो हम जनवरी फरवरी तक आपके सामने जो है तोड़ देंगे कि वो पैसों की वजह से आप ये नहीं कर पाओगे कि सर जी हम काश मुखर्जी नगर में पढ़े होते तो हम भी अच्छा कर लेते, नहीं, वो बैरियर हम यहाँ पे तोड़ देंगे। आपको पैसे की वजह से पढ़ाई ना मिलने वाला कोई टेंशन नहीं होगा, तो आप लोग हमारे साथ पढ़ सकते हो। और अगर आप लोगों को आजू बाजू कोई कोचिंग मिल रही हो जहाँ पे आपको लगता है कि ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा होगा, आप वहाँ पे भी जाके अपनी पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन एक साल थोड़ा अच्छे से पढ़ लो। और ये जो नर्वस होने का काम है और रोने का काम है ना, ये मत करो, अगर ये करोगे तो ज़िंदगी भर रोते ही रह जाओगे। आपको मेरे हिसाब से तो ये करना चाहिए, अब की नहीं बात तो ठीक है यार, अगली बार निपटेंगे पर निपटा के रहेंगे। अगर SSC हमारे पीछे पड़ गई है, जैसे कि कुछ कमेंट में मैंने देखा कि जनरल वाले SSC छोड़ दें, मैं भाई जनरल का लौंडा हूँ, अगर मेरे से कोई ऐसे बोल देना तो भाई मैं होंग दू थप्पड़, मैं बोलूँ भाई जनरल का हूँ तो हूँ, अगर मेरा कट ऑफ 152 गया है तो साला 160 लेके आऊंगा, लेकिन लेके आऊंगा। और थोड़ा सा यार गुस्से में तो हूं मैं उन लोगों से जो ये लोग बोल रहे थे कि जनरल कैटेगरी वाले बाहर हो जाएं, तो मैं आपको एक बार बता दूं यार कि जो जनरल वाले बच्चे हैं वो यार बिल्कुल भी डरे ना यार, जनरल हो जनरल, इसीलिए आपको जनरल कहा जाता है। आप हौंको, 152 कट ऑफ जाता है तो 170 हौंको, इसीलिए कहा जाता है आपको जनरल। और मेरा ये जो वर्ड्स कहने का मतलब है वो मैं किसी को जो है नीचा दिखाने के पर्पज से नहीं कर रहा हूं, बस ये मेरा पर्पज ये है कि वो बंदे जो नर्वस हो रहे हैं वो इस चीज़ को समझ ले कि नर्वस होना सलूशन नहीं है, सलूशन है उठना, खड़े होना, दोबारा फाइट करना। तो जितने नंबर आप टाइम्स आप गिरो उतने नंबर आप टाइम्स जो है खड़े हो, फाइट करो। कहते ना कि जैसे सपोज करो कि एक आदमी आपके सामने खड़ा कर दिया जाए, ठीक है, बहुत कमज़ोर सा आदमी हो, आपने उसे थप्पड़ मार दिया और अगर वो डर के गिर गया तो क्या करोगे, आप उसे बार बार डराते रहोगे। लेकिन वही बंदा जैसे खड़ा है, आपने एक थप्पड़ मारा, गिरा, फिर उठा, फिर उसने बोला मार भाई मार, कितना मारना है, दूसरा तुमने मारा, फिर गिरा, फिर तीसरी बार उठ के खड़ा हुआ, फिर बोला मार भाई मार, और मार ले, मार दे मेरे को जान से मार दे, भाई कसम से तीसरी बार हाथ ना लगा पाओगे, अगर तीसरी बार तुमने लगाया ना तो चौथी बार तुम्हारी खुद फट जाएगी और तुम खुद फट के निकल लोगे। तो यही काम करना है क्या, अगर SSC आपको मार रही है, सेलेक्ट नहीं होने दे रही है ना, तो आप भी खड़े हो, उठो और ये बोलो करेंगे हम, इस बार नहीं तो अगली बार करेंगे, और अगली बार नहीं तो उसके अगली बार करेंगे। बस ढूंढते रहो रास्ता कि कौन सा ऐसा रास्ता है जिस रास्ते से आप जो है SSC को जो है लड़ पाओ, फाइट कर पाओ। और सेम वही बात है, अगर आप बैंकर बनना चाहते हो तो बैंक बनने के लिए भी यही काम करो, अगर आप रेलवेज क्रैक करना चाहते हो तो रेलवेज के लिए यही काम करो। जो मेन आइडिया होना चाहिए पीछे ना, वो ये होना चाहिए कि हमको हार नहीं माननी किसी भी तरीके से। अभी के लिए तो मेरे पास से इतना ही, मैं बस इतना ही चाहता हूं कि आप डिमोटिवेट ना हो, उठिए, खड़े होइए, दोबारा लड़िए।